हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद एक बार फिर से मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया और कहा कि उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसके अलावा उन्होंने कई मुद्दों पर बात की और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में अनपढ़ों की जमात है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है ये पूरा मामला। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने थोड़ी देर पहले पहली बार चुप्पी तोड़ी है। गुलाम नबी ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। आजाद ने कहा कि उन्हें किसी पद का लालच नहीं है, वो इंदिरा के जमाने से स्टार कैंपेनर थे। गुलाम नबी का कहना है कि उन्हें घर छोड़ने को मजबूर किया गया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी तो वो 6 दिन तक नहीं सोए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पार्टी को उन्होंने खून पसीने से बनाया आज वो उन पर लांछन लगा रही है। कांग्रेस में तो अनपढ़ों की जमात और खासकर ये जो बैठे हैं क्लर्कल काम और प्लांट करने वाले, वो कांग्रेस में कभी नहीं रहे। उनका काम है प्लांट करने के लिए, उसी के खाते हैं, उसी में एमपी बनते हैं, उसी में कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं और उसी में चेयरमैन बनते हैं कमेटी। एबीसी जिसको जम्मू कश्मीर का मालूम है, मैं बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंस में एक वोट नहीं बढ़ा सकते, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंस में आधा वोट नहीं बढ़ा सकते। ये अगर किसी को जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स मालूम, उसका मालूम है जो ये कहते हैं कांग्रेस और गुलाम नबी ये हो जाएंगे चेतन, उसका मालूम है कि उनका दिवालिया निकल गया है, उनको जम्मू कश्मीर के मालूम है। पार्टी में दूसरी पार्टियां भी तो हैं, मैं अकेली पार्टी हूँ, मैं तो अभी जन्म ही ले रहा हूँ, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी। अभी यह है जो कांग्रेस देखो, इन एक साल में हमारे तीन सिटिंग एमएलए भाग गए जिनमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे, हमारे 90% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाग गए इस एक डेढ़ साल में, 90% हमारे दूसरे, इससे पहले हमारा जो ग्रुप था वही बचा। मैंने मिसेस गांधी को बताया कि आपके लोग कहते हैं इंडिसिप्लिन, हमको बधाई दे दो कि वो दूसरी पार्टी में जाने वाले थे, मेरे इंडिसिप्लिन की वजह से मेरे साथ तो रहे, वरना वो भी दूसरी तरफ जाने वाले थे। तो ये एटलीस्ट कांग्रेस को मानने वाले, यही कारण है कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के 99% मेरे साथ आए, क्योंकि उनको मालूम है कि संगठन को बचा नहीं सकता है या लीडरशिप नहीं होती। मैं नहीं होता तो ये जो 5 थे ये बीजेपी तो नहीं जाते, ये दूसरी पार्टी में जा रहे थे, तो मैंने उनको रोका, कहा आप नहीं कांग्रेस में नहीं रहना, मैंने कहा आप कहीं नहीं जाओ, मैं अलग पार्टी हूँ। तो ये हमने कांग्रेस को मानने या कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानने वालों के लिए बनाई, वरना मैं अगर कल इनके जाने के बाद जम्मू एयरपोर्ट पे जाता तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने वाला था, क्योंकि इस तरह की लीडरशिप कांग्रेस देती है स्टेटों में, वो लोग भगाने की मशीन होते हैं, लोग जोड़ने की मशीन नहीं होते। बता दें कि बीते दिनों बहुत बेअब्रू करके कांग्रेस के कूचे से गुलाम नबी आजाद निकले थे, जिनके निशाने पर राहुल गांधी थे। आरोपों की एक लंबी लिस्ट थी, इस्तीफे में दर्द था, शिकवे थे, शिकायतें थी। इस्तीफे का अपने आप में कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल था, जिसके कटघरे में थे राहुल गांधी। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे ने कांग्रेस पार्टी के भीतर सुलग रही नाराजगी की आग को सतह पर ला दिया। गुलाम काफी समय से पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे, जिसका नतीजा ये है कि गुलाम कांग्रेस से आज आजाद हो गए हैं। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट।